एवरीवन, मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोकन की। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जावा क्या होता है, व्हाट इज जावा, एंड सेकंड हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखा था, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। एंड इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि इस प्रोग्राम में वीएस कोड में कैसे लिखेंगे और रन करेंगे। इस वीडियो के देखने से पहले मैं आपको बोलूंगा, पहला वीडियो जाके आप देख लो जिसमें मैंने पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख के दिखाया है। अब थोड़ा सा हम थ्योरी पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे और फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं जिसपे, उसका नाम है टोकन। टोकन क्या होता है? टोकन का डेफिनेशन होगा स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट इन जावा प्रोग्राम। स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट इन जावा प्रोग्राम, उसी को टोकन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूं, सपोज मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, हे दिस इज राजीव, I love to play cricket. Suppose मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो पैराग्राफ है कैसे बना है? ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है जिसको हम वर्ड बोलते हैं, राइट? जैसे हे एक वर्ड है, दिस एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, राजीव एक वर्ड है, आई एक वर्ड है, लव एक वर्ड है, टू एक वर्ड है। हमारा इंग्लिश का पैराग्राफ छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना है। उसी तरीके से जो हमारा जावा का प्रोग्राम होता है वो टोकन से मिलकर बना है। जावा में आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जावा प्रोग्राम में बेसिकली हम वर्ड की जगह क्या होता है? टोकन होता है, राइट? अगर मैं एक जावा प्रोग्राम का एग्जांपल लूँ, जैसे सपोज हमने एक प्रोग्राम लिखा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अगर मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ क्लास, और क्लास का नाम देता हूँ ABC, एंड देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये पहले प्रोग्राम में मैंने बताया है ये सब मेन, एंड देन इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग AR, देन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, देन सपोज हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंड हम सिर्फ हेलो प्रिंट कर देते हैं, जगह नहीं है, सो हेलो, एंड ब्रेसेस क्लोज, क्लास का ब्रेसेस क्लोज। इस प्रोग्राम में हर चीज़ टोकन है। ABC ए भी एक टोकन है, क्लास ए भी एक टोकन है, इवन ब्रेसेस भी एक टोकन है, पब्लिक भी टोकन है, स्टैटिक भी टोकन है, इवन सिस्टम भी एक टोकन है। एवरीथिंग इज टोकन। ये पूरा प्रोग्राम टोकन से मिलकर बना है, राइट? इसीलिए मैंने डेफिनेशन में लिखा स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट इन जावा प्रोग्राम, दैट इज नोन एज टोकन। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि टोकन क्या होता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं टोकन के बाद टाइप्स ऑफ टोकन। टोकन फर्दर फाइव टाइप्स के होते हैं। आगे लिख लो आप, पहले आप टोकन का डेफिनेशन लिखना और उसके बाद लिखना, टोकन्स आर ऑफ फाइव टाइप्स। अब जैसे मैं अगर वर्ड्स की बात करूं, तो वर्ड्स जैसे हमारा इंग्लिश पैराग्राफ है, ठीक है, इसमें हे एक वर्ड है, ठीक है, बट कौन सा वर्ड है? वर्ड भी बहुत तरह के होते हैं। हो सकता है कोई वर्ड नाउन हो सकता है कोई प्रोनाउन हो, कोई वर्ब हो, कोई एडवर्ब हो। जैसे हे क्या है हमारा, हे HEY, हे क्या है, दिस क्या है, इज क्या है, राजीव क्या है। अगर मैं राजीव की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, नाउन है, वर्ड तो है बट कौन सा वर्ड है, नाउन है। इज की बात करता हूं तो इज भी वर्ड है बट वर्ड कौन सा वर्ड है, इसको हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है। फिर दिस, ये भी हमारा वर्ड है बट ये भी वर्ड का एक टाइप में आएगा, ठीक है। हे ये भी एक वर्ड का टाइप होगा। प्ले ये भी वर्ड है बट कौन सा वर्ड है, वर्ब है, राइट? इसी तरीके से हमारे जावा प्रोग्राम में टोकन भी पांच तरीके के हैं, राइट? और ये पांच तरीका कौन कौन सा है, और ये पांच टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कीवर्ड्स, देन सेकंड है आइडेंटिफायर, देन हमारा थर्ड है लिटरल, एंड देन हमारा फोर्थ है लिटरल के बाद ऑपरेटर, एंड देन हमारा फिफ्थ है, ये मैं इधर मैंने रोमन नंबर में लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट, ये टू होगा और ये फोर होगा, एंड हमारा फिफ्थ है पंचुएटर्स,
और सेपरेटर्स भी बोल सकते हैं, और सेपरेटर्स। सो अगर मैं प्रोग्राम में बात करूं तो जैसे यहां पे देखो हमारा जो क्लास है ये क्या है, हमारा क्लास एक टोकन है, बट कौन सा टोकन है, कीवर्ड है। एबीसी भी एक टोकन है बट कौन सा टोकन है, आइडेंटिफायर है। पब्लिक भी टोकन है बट कौन सा टोकन है, कीवर्ड है। एब्रेसिस भी टोकन है बट कौन सा टोकन है, पंचुएटर है, राइट। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो टोकन जो होते हैं फर्दर पांच तरीके के होते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड फिफ्थ पंचुएटर्स। सो अब अगले वीडियो में इन पांचों को अलग अलग हम देखने वाले हैं, राइट, कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर, लिटरल, इन सबको एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।